A very warm welcome to all of you. I'm Neeru. और ये जो मून साइकिल है, हम न्यू मून साइकिल में हैं. तो न्यू मून से जो मैनिफेस्टेशन की एनर्जी होती है वो हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. पिछली कुछ वीडियोस में हमने डिस्कस किया कि जो भी चीज़ें हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम उस अलाइनमेंट में हैं या नहीं, क्योंकि अगर कहीं भी हमारे बिलीफ सिस्टम्स उससे अलग हैं, हमारे पैटर्न्स उससे अलग हैं, हमारे अंदर फियर्स हैं, हमारे अंदर जो है वो इस तरह की हैबिट्स हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते, तो वी वोंट बी एबल टू मैनिफेस्ट थिंग्स व्हाट वी रियली नीड टू और व्हाट वी रियली वॉन्ट टू. तो जिसने भी वो वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज़ डू सो, क्योंकि ये जो न्यू मून है इट्स इन कैंसर, और कैंसर की क्या एनर्जी होती है, इट्स अ वेरी पावरफुल फेमिनिन एनर्जी, नर्चरिंग, केयरिंग, यू नो, क्रिएटिविटी. सो दिस टाइम हमें किस चीज़ के अलाइनमेंट में आना है? You have to come in alignment of your heart chakra, in the alignment of love. और जितना आप अपने heart chakra के ऊपर इस time काम करेंगे, अपनी love frequency को बढ़ाएंगे, and especially if I talk about people, those who are in twin flame journey, आपके लिए ये बहुत ही अच्छा time है, you know. To manifest your union, जो partner अभी तक running situation में थे, they started understanding, चाहे वो divine masculine थे या feminine energy में थे, जो भी running energy में थे, वो इस time समझ रहे हैं इस जो उनका relationship है, जो उनका divine relationship है, उसकी depth को समझ रहे हैं, उसकी ट्रूथ को समझ रहे हैं. क्वाइट पॉसिबल है कि कुछ लोगों ने कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया हो, लेकिन अगर आप अभी भी इस स्टेट में हैं कि यू आर नॉट इन अ यू नो कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर और यू आर नॉट सीइंग ईच अदर, स्टिल इट्स इन द प्रोसेस, क्योंकि जो भी चीज़ें उनकी ईगो डिनाई करती थी, जिस इंटेंसिटी को वो फील नहीं करना चाहते थे या जिससे वो भाग रहे थे, यू नो, दैट इज़ व्हाई आई एम मेंशनिंग कि जो रनर थे वो अब रुक गए हैं. कुछ लोगों ने वापसी करनी शुरू कर दी है, लेकिन अगर वो अभी तक भी उस वाली सिचुएशन में नहीं आए कि वो आपको कांटेक्ट कर रहे हैं या फिर से वापस आ रहे हैं, एटलीस्ट दे आर just they have just stopped from running. वो अपने emotions को check कर रहे हैं, उसकी जो सत्यता है उसको जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और सबसे अच्छी बात जो है वो accept कर रहे हैं. तो क्या होता है कि जब हम बहुत time तक जो partner chase कर रहा था या जो अपने ऊपर काम कर रहे थे, spiritual work कर रहे थे, अपने यूनियन के लिए काम कर रहे थे, वी फील समटाइम्स सिक एंड टायर्ड, राइट? और ऐसी सिचुएशन में मोर लाइकली वी क्लोज आवर हार्ट फ्रॉम बीइंग हर्ट अगेन. ये सब जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है उन लोगों ने उस इंटेंसिटी को फील किया है, व्हेन दे गेट सेपरेटेड हाउ यू फील. सो वो एनर्जी जो है अगर अभी भी कहीं स्टक है अंदर, और आप अपने हार्ट चक्र से ओपनली लव फ्रीक्वेंसी को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं या आप अनकंडीशनल स्टेट में नहीं हैं, तो आपको इस टाइम ये चेक करने की ज़रूरत है, आपको इसके अलाइनमेंट में आने की ज़रूरत है. क्योंकि अगर अभी भी हार्ट में पेन है, ट्रॉमा है, वूंड्स हैं, पास्ट मेमोरीज रिलीज नहीं हुई हैं, और आप
उसमें स्टक हैं कहीं ना कहीं, या कन्फ्यूजन है कि आपके पार्टनर जो है वो वापस आएंगे भी कि नहीं, या वो आपको, अगर वो किसी और रिलेशनशिप में है या मैरिज में है तो ये कैसे पॉसिबल होगा, ये सारी चीज़ें, और उसकी वजह से आपने अपने एक होप छोड़ दी है या आपने अपने आप को क्लोज कर लिया है, तो अब वो टाइम है कि आप रिलैक्स करें, ईज आउट हों और उसको जाने दें, बिकॉज पास्ट इज पास्ट। और अपने जो जर्नी है उसकी जो ट्रूथ है, उसकी जो इंटेंसिटी है, उसका जो मिशन है, उसके ऊपर उसको ट्रस्ट करें। अगर आपको ये नहीं पता चल रहा कि क्या आप अभी भी अपने हार्ट में उनके लिए इस तरह का कोई ट्रॉमा या इस तरह का कोई पेन या कोई शिकायत लेकर घूम रहे हैं, तो क्लोज योर आइज एंड सी, ट्राई टू कम्युनिकेट विद देम। और अगर आप कम्युनिकेट इजीली नहीं कर पा रहे हैं और वहाँ पर कोई फियर आ रहा है या वहाँ पर आपकी कोई शिकायत आ रही है, तो समझिए कि आपने उसको होल्ड किया हुआ है, दबाया हुआ है, और ये टाइम है कि आपको अपने जो भी फियर्स हैं या जो भी होपलेसनेस है या जो भी शिकायतें हैं उनको रिलीज करना होगा। आप यू ऑल नो हाउ टू हील एंड ट्रांसफॉर्म योर थॉट प्रोसेस बाय नाउ। सो जो भी आपने अपने इनर वर्क के दौरान सीखा है, अप्लाई दैट। इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी राइट नाउ, तो आपके लिए ये अच्छा है कि आप इस एनर्जी के साथ फ्लो करें। अगर आप इसको रेजिस्ट करेंगे देन यू आर डिलेइंग द प्रोसेस। जितना आप अपनी इस टाइम फेमिनिन एनर्जी को नर्चर करेंगे, फेमिनिन एनर्जी को एम्ब्रेस करेंगे। क्या है फेमिनिन एनर्जी? फेमिनिन एनर्जी इज ऑलवेज लव, इज ऑलवेज नर्चरिंग, केयरिंग, कंपैशन, काइंडनेस, फॉरगिवनेस। कितनी इजीली आप उसको फॉरगिव कर सकते हैं किसी को भी। और जब मैं फेमिनिन एनर्जी बोल रही हूँ तो मैं ये, इसका मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं फीमेल के लिए बात कर रही हूँ या डिवाइन फेमिनिन के लिए बात कर रही हूँ। ये फेमिनिन एनर्जी विच वी ऑल कैरी, इवन डिवाइन मैस्कुलिन कैरीज दिस एनर्जी। तो अगर आप में से कोई भी डिवाइन मैस्कुलिन इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये मैसेज उनके लिए भी है कि जो आपकी फेमिनिन एनर्जी है, जो आपको लव फील कराती है, जो आपको कंपैशन फील कराती है, जो आपको क्रिएटिव बनाती है, जो आपको हार्ट से कनेक्ट करती है, ये टाइम है आपको उसके अलाइनमेंट में आने के लिए। और जो भी आपके ओल्ड इमोशनल वूंड्स हैं उनको आप रिलीज कीजिए। जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि जो भी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है ना, तो वो कब किस तरह से फैसिलिएट करती है हमको? जब हम उसके साथ फ्लो करते हैं तो हमारे लिए उस अलाइनमेंट में आना, उस एनर्जी में आना इजी हो जाता है। तो इस टाइम जो एनर्जीज है वो है एनर्जी ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो आपको जो भी मैनिफेस्ट करना है उसके अगेंस्ट जो भी आपके अंदर है, तो उसको आप जितनी जल्दी हाईलाइट कर पाएंगे, उसको देख पाएंगे और उसको रिलीज कर पाएंगे, आप उतना ही लव फ्रिक्वेंसी में आ पाएंगे। तो इस टाइम ध्यान से बैठिए और मेडिटेट कीजिए, विजुलाइज कीजिए अपने यूनियन के बारे में। आप क्या सोच रहे हैं उस टाइम? क्या अभी भी फियर्स सरफेस पर आ रहे हैं? क्या आप अभी भी कंफ्यूज्ड हैं? क्या आपको अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये नहीं हो सकता? क्या आपको अभी भी उन जो भी पुराना कुछ हुआ था या कोई भी आर्ग्यूमेंट्स या कोई भी वहाँ पर उसकी पुरानी मेमोरीज पड़ी हुई हैं? और अगर वो अभी भी हैं तो वो आपको रिलीज करनी होंगी। आपको उनको अपने अंदर से जो भी अनप्लेजेंटनेस है उसको आपको ट्रांसफॉर्म करना होगा अपनी लव फ्रिक्वेंसी में, क्योंकि इट्स नॉट गोइंग टू सपोर्ट योर यूनियन। ये जो टाइम है आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस कीजिए, अपने आप को इंडल्ज कीजिए अच्छी चीज़ों में, अपने आप को जो भी आप करना चाहते हैं
उसके साथ एसोसिएट कीजिए, और बाकी जो भी मिस अलाइंड है, राइट, इट्स नॉट ओनली अबाउट यूनियन, इट्स अबाउट एवरीथिंग, इवन जो भी जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं भी हैं, उनके लिए भी जो भी आप करना चाहते हैं इस टाइम, आप उसको करता हुआ देखिए अपने आप को, विजुलाइज कीजिए, उसके साथ कनेक्ट कीजिए, और वहाँ पर जो भी आपको ऐसा लगता है कि ये मेरा फियर है, या ये चीज़ें मुझे रोकती हैं, या मुझे ऐसा लगता है कि मैं करने के काबिल नहीं हूँ, और जिन कुछ चीज़ों के बारे में मैंने स्पेशली बात की, विक्टिमहुड, शेम एंड गिल्ट, या जो भी अनवर्थीनेस, अगर अभी भी वहाँ कहीं पर है तो उसको प्लीज़ ट्रांसफॉर्म कीजिए, एंड यू नो दैट यू कैन डू इट, एंड यू मे यू विल बी सरप्राइज्ड कि हाउ ईजिली यू कैन ट्रांसम्यूट ऑल दिस एनर्जी इंटू लव फ्रिक्वेंसी, इंटू एनर्जी ऑफ you know, peace, kindness, compassion and manifestation. क्योंकि ये जो new moon की manifestation वाली energy है, it's going to help you out. So my dear friends, stop running from a better life. Yes, you heard it right. क्योंकि हम ही हैं जो अपने अच्छी life से भागते हैं. कैसे? क्योंकि हम उन चीज़ों को resist करते हैं. कैसे? क्योंकि हम उन चीज़ों को नहीं देखते ध्यान से जो चीज़ें हमें रोक रही हैं, जो डर, जो पुराने एक्सपीरियंसेस, जो अनवर्दीनेस है हमारे अंदर, जो भी उसको उन चीज़ों को रोक रही है, हम उनको ध्यान से नहीं देखते हैं और ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते हैं. एट द एंड व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल, that you are going through a beautiful time. So get the best out of it. Connect to your heart chakra. Give yourself whatever you want from outside. और आप जितना चाहते हैं उससे ज़्यादा receive कर पाएंगे. You can, you know, explore the highest potential in you right now. Trust it and manifest it for yourself. So wish you all the very best. और अगर आप में से अभी भी किसी ने हमारा जो मेडिटेशन वाला ग्रुप है वो ज्वाइन नहीं किया है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो आई ऑलवेज शेयर, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, बिकॉज टाइम टू टाइम वी कीप डूइंग दिस मेडिटेशंस एंड दिस ग्रुप इज यू नो फ्री फॉर एवरीबडी. इट्स गोइंग टू हेल्प यू आउट ट्रिमेंडसली. इट कैन गिव यू डायरेक्शन दैट हाउ यू कैन हील योरसेल्फ, हाउ यू कैन कनेक्ट टू योरसेल्फ. तो इफ यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन send me a message and we can be a part of it together to heal. अगर आपको यहाँ से थोड़ी सी भी help मिलती है अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को transform करने के लिए, तो please, अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया है मेरा channel, तो उसको subscribe कीजिए, and you are more than welcome to share with your friends and family. Love yourself, and I love you too. I see you in my next video.